जब हर मामले में बाघ शेर से ज्यादा ताकतवर है, फिर भी शेर को ही जंगल का किंग क्यों कहा जाता है? आपको बता दें कि बाघ का वजन, इसकी हाइट, इसके पंजों की लंबाई, इनकी हंटिंग स्किल, इनका बाइट फोर्स, सब कुछ शेर से ज्यादा होता है। हर मामले में बाघ शेर से दो कदम आगे ही है, फिर भी शेर को ही जंगल का किंग कहा जाता है। उसका एक ही रीजन है और वो है उसकी फैमिली। उसकी फैमिली ही उसकी ताकत है। आपको बता दें कि बाघ ज्यादातर अकेले ही रहते हैं, उसका अपना कोई परिवार नहीं होता। सिर्फ मेटिंग के टाइम पर ही वो किसी बाघिन के साथ कुछ दिन तक रहते हैं और बच्चों के जन्म लेते ही वो किसी दूसरे इलाके में चले जाते हैं। बच्चों की देखरेख, उसका पालन पोषण एक मादा बाघिन को ही करना पड़ता है, जबकि शेर हमेशा अपने परिवार के साथ रहते हैं। शेर की लड़ाई जब भी होगी तो अकेले शेर से नहीं होगी, बल्कि उसके पूरे परिवार से होगी। उसके परिवार में ज्यादातर शेरनियां ही होती है और वो ही शिकार करते हैं। शेर तो बस राजा साहब की तरह अपने परिवार और अपने इलाके की रक्षा करते हैं और जरूरत पड़ने पर ही शिकार करते हैं। इस तरह से उनकी फैमिली जहाँ भी रहती है जंगल पर राज करती है। यही कारण है कि शेर को ही जंगल का किंग कहा जाता है, बाघ को नहीं।